वाले। और ये देखिए सब्जियों की दुकान लगने लगी है, ये लोग करीबन 6:30-7 बजे तक सारी सब्जियों की दुकान लगा देते हैं और सब्जियां एकदम फ्रेश फ्रेश आती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में हमारे देहात वालों के पास कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा काम नहीं है, तो इस वजह से सबके सब सब्जियों में विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो सब्जियां जिनका रेट 40-50 रुपये किलो होता था वो अभी एकदम सस्ते बिक रहे हैं, लगभग 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो में मिल जा रहे हैं अच्छे से अच्छी एकदम फ्रेश सब्जी। तो लॉकडाउन के समय पर ये एक चीज़ हमारे गाँव में विशेष बेनिफिट दे रहा है फिलहाल की सब्जियाँ एकदम फ्रेश और कम रेट पर उपलब्ध है और हर किसी को एक अच्छा रोजगार भी मिल गया है, क्योंकि जो लोग सब्जी कम लगाते थे वो लोग भी काफी मात्रा में लगाने लग गए हैं। अचानक मौसम ने फिर अपना रुख चेंज कर दिया, ये देखिए झमाझम बारिश होने लगी और बस बारिश होने की देरी है और बच्चे लोग यहाँ मस्ती करना चालू कर दिए, सौम में चढ़ गया छत में। आरिया कानिया, अरे बिजली चमक रहा है, नीचे उतर जा। और ये बंद, ये तो ज्यादा ही बदमाश है, नीचे उतरो। मुझे पता है बचपन में पानी में भीगने का मजा कितना था, क्योंकि मैं जब भी बरसात होता था बाहर निकल जाया करता था और मस्त पानी में भीगता था, एकदम नाचता था, खेलता था। हम लोग जो है कागज का नाव बनाकर खेला करते थे। पानी गिरने लगता है, बरसात होने लगती है और ऐसे फुहारे जो पानी के हल्के हल्के छींटे मेरे चेहरे पे पड़ रहे हैं, एकदम एनर्जी एनर्जी महसूस होता है, मस्त लगता है। ये प्रकृति के चीजों से डरना नहीं चाहिए, अगर आप एक बार भींगते तक डर लगता है, लेकिन अगर आप भींग जाओगे इस पे पूरा जड़ तक, उसके बाद एकदम मस्त मजा आने लगता है। तो जरूर मैं तो भाई भींग लेता हूँ कई बार। और अचानक बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी आनी चालू हो गई है, समझ भी नहीं आ रहा है, मौसम अचानक धूप कर रहा है, अचानक छांव कर रहा है, अचानक ऐसा पानी गिरने लग रहा है कि जिसका कोई ठिकाना ना हो। उधर पूरा हमारा पहाड़ भी ढक गया है पानी से, पूरा ब्लर हो गया है पूरा एरिया, बाकी लग मस्त रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम मस्त मस्त महसूस हो रहा है। प्रेशर से गिर रहा है, यहाँ 2 HP, ये आधा HP और उधर तुरतुरी, 3 क्वालिटी की पानी यहाँ गिर रही है और ये सारे पानी बालू को मेरा खींच के ले जाके जो है उधर इकट्ठा कर देता है। पीछे नजारे देखिए, एक तरफ ये पानी ऊपर से ये नीचे गिरता हुआ मेरे पेड़ के पीछे, ये हरे हरे ये पौधे के पत्ते जो है, पानी देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इसके नीचे एकदम मस्त बाबा बन के आराम से बैठ जाए, सिर पे पानी गिरता रहे, ठाए ठाए पड़े सिर पे और एकदम ध्यान चित्त होके बिल्कुल आनंद प्राप्त करते हुए आराम से बैठे रहे, आधा घंटा गुजर जाए, इतना मजा आता है ये सब कल्पनाएं करके। और मेरा ठिकाना भी नहीं है मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज मैं बचपन में बहुत कर चुका हूँ, जैसे पानी गिरते रहना, उस पानी के बीच में नाव बना के, जैसे आजकल तो पानी कुछ कम दिखते हैं, नाव बना के उसमें यहाँ से नाव को रखें और वहां तक निकल जाए। पहले क्या है, खेतों में पानी आर एक खेत से दूसरे खेत जाती थी, उस टाइम पे हम लोग स्पेशल कागज फाड़ के घर का नाव बना के मस्त खेला करते थे और 2-4 घंटा कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। तो ये सब पानी को देख के, बरसात का मौसम देख के मेरे को एकदम वैसे ही फील आता है, एकदम मस्त मस्त लगता है। अब बाबू ऊपर से नीचे उतर रहा है, देखिए, अरे वाह, अब तानिया भी उतरेगी नीचे, लोहा है देखना, उछाल मार दे। काफी दिन से हमारी कार स्टार्ट नहीं हुई है तो एक हालर में आटा पिसवाने के, मतलब गेहूं पिसवाने के लिए दे रखा हूं, तो उस बहाने कम से कम गाड़ी मैं जो है स्टार्ट कर लेता हूं। अब इतने दिन हो गए, पता नहीं एक सेल्फ में स्टार्ट होगा या नहीं, अरे वाह स्टार्ट हो गया, चलो
दूर आटा लेने। बहुत दिन बाद कार चला के मजा आ रहा है। नीला दिख रहा है क्यों? मौसम और पर्यावरण इतना शुद्ध हो गया कि आसमान देखिए पूरा नीला दिखाई दे रहा है। मुझे की दुकान मतलब हालर आटा की चक्की। ये पीस के रख दिए हैं पहले से आटा। अंधारे छुएगी इसने। चले चलते हैं। घर का पिसा के उस आटा का रोटी खाने का ही मजा अलग है यार। मॉल का खरीदा हुआ तो उतना मजा नहीं आता। तो अब चलते हैं वापस। कुछ देर पहले देखा हमारी YouTube की फैमिली की संख्या लगभग जो है सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 1500 टच करने को है, जो कि सिर्फ 20 दिनों में ही। और जो YouTube पे 4000 घंटे लगते हैं साल भर में जो टाइम देता है YouTube, वो लगभग 2000 घंटे ऑलमोस्ट पूरे होने को है। तो ये सब आप ही लोगों का कमाल है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और दूसरी चीज क्या है, एक मेरे फेसबुक मित्र है, काफी दिनों से फेसबुक पे वो मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं। वो कई दिनों से मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप मेरा मुझे जो है अपने कैम जब भी आप वीडियो बनाएंगे मुझे याद जरूर कीजिएगा। गौरव कौर करके उनका नाम है, वो एक शिक्षक है आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, त्रिपुरा स्टेट में वो रहते हैं। तो भाई कैसे हैं आप, मैं आपसे सिर्फ फेसबुक पे ही मिला हूँ, रियल में तो मिल नहीं पाया हूँ। तो आप कैसे हैं? चलो हम लोग जरूर कभी मिलेंगे। और कल के हमारे वीडियो में एक कमेंट आया था, एक दो तीन लोगों का भी कमेंट आया था कि आप जो दुकान मेंटेन करते हो तो उस पे उधारी कैसे मेंटेन करते हो। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं उधारी बिल्कुल हमारा जो है 10% भी नहीं 5% ही उधारी का लेन देन करते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बिना उधारी के दुकानदारी कैसे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उधारी नहीं देंगे तो भी हमारे एक्चुअली क्या है, दुकान उधार के कारण कई बार डूब जाता है। अच्छे अच्छे लोग जो है जब देने का टाइम आता है उस समय पीछे हट जाते हैं, जिससे हमारा उनसे व्यवहार भी खराब होता है। हम उन्हें कभी टोक देते हैं तो उन्हें खराब लग जाता है। और होता क्या है कि जब अपन उधारी किसी को दे देते हैं, ठीक है किसी की मजबूरी होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को नहीं देते। आदमी देख के जो एकदम परफेक्ट जो सही होते हैं उन्हें हम उधारी देते हैं। और कई बार क्या है कि उधारी देकर सामने वाले से दुश्मनी ठानने जैसा भी हो जाता है। एक तो आप उधारी दे दो, दूसरी तरफ से क्या है कि उनसे हम अपना संबंध खराब कर बैठते हैं। क्योंकि हम क्या है कि कुछ टाइम ले लेते हैं कि भाई इस समय तक आप जो है पेमेंट हमें कर दीजिएगा। हमें व्यापारियों का भी पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि सब चीजों की कड़ी जुड़ी हुई है। हमें अपने ग्राहकों से जब पेमेंट मिलता है तब हम अपने व्यापारी को दे पाते हैं। और व्यापारी को खुश रखना बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है। जब तक वो खुश रहेंगे तब तक आपका बिजनेस जो है फलता फूलता रहेगा। वो एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। और कई बार क्या है कि जब हम उन्हें दे देते हैं किसी जगह अचानक उन्हें बोल देते हैं तो उन्हें खराब लगने लग जाता है। और बोलते थे कि आप मेरे को यहाँ क्यों बोल दिए, वहां क्यों बोल दिए। हो सकता है बाकी लोगों का सिस्टम ऐसा ना हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कई लोग उधारी भी अच्छे मतलब उधारी के कारण भी जिनका दुकानदारी बहुत अच्छा चल रहा हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि आप जब उधारी दे दोगे, मान लो आपका 500 रुपए का उधारी है, और कई बार ग्राहक क्या है कि उस 500 रुपए के डर से अगर उनको 5000 रुपए का सामान लेना हो तो वो आपके पास ना आके और कहीं चला जाएगा। तो पता चला कि आप 500 रुपए के चक्कर में आपका 5000 का नुकसान हो गया। और अगर वही ग्राहक आपका उधारी नहीं लगा है, बिल्कुल फ्री है, तो वो जरूर आपके पास आएगा। तो कई बार क्या है कि उधारी अगर आप नहीं देते हो तो आपकी दुकानदारी बिल्कुल अच्छी चलती रहती है और आप
बेनिफिट पे ही रहते हैं। और उधारी ऐसी चीज है जो दुकान को खोखली कर देती है। धीरे 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 जो उधारी पता चला कि आपके पास जितना सामान है उससे ज्यादा तो भाई जितना सामान है उससे ज्यादा तो उधारी, तो बस ऐसे ही है। और बहुत दिन हो गए, घूमने की भी इच्छा हो रही है, और जो वीडियोस वगैरह मैं डाल रहा हूँ तो मैं ऐसे ही मेरी डेली रूटीन का ही डालता हूँ, और शायद ऐसे ही हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं कर पाऊंगा कभी भी लग रहा है। कुछ समय मिलते हैं उस टाइम पे मैं यूट्यूब कर ले रहा हूँ, बाकी दिन भर तो व्यस्तता होती है दुकान पे, इधर उधर कई प्रकार के काम होते हैं, और मैं कोई ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बना सकता ना कुछ। ये भी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक पीछे बोतल है, पानी का बोतल है, उस पर मैं अपने टेबल पे टेक के या मोबाइल से शूट करता हूँ मैं वीडियो, रियलमी प्रो करके मोबाइल का नाम है, इससे शूट करता हूँ। और जितने भी शॉर्ट्स वगैरह रहता हूँ बस अपने हाथ के माध्यम से घुमा घुमा के ऐसे करके लेता हूँ, तो वो अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रोग्रेस अगर हो रहा है यूट्यूब में, वो किस्मत वाली बात है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन मैं कभी जो कई लोग इसमें एक दो कमेंट भी आते हैं कि शाउट आउट आप कभी लो कुछ लो, तो भाई ये सब चीज कोई मतलब नहीं है शाउट आउट लेके। भाई अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आज दुकान में आपके 20,000 रुपए का बिक्री हुआ, तो आप मेरे को ये बताइए कि एक इंसान उसमें 18,000 रुपए या 15,000 रुपए का खरीद लेगा और 5,000 के जो है चिल्हर एक एक करके जो लोग आएंगे आपके दुकान, तो वो ज्यादा अच्छा है? मतलब 5,000 रुपए का आप चिल्हर बेचेंगे और 15,000 रुपए एक इंसान को बेचेंगे, और तो वो ज्यादा आपको 15,000 रुपए की अपेक्षा 5,000 रुपए वाले ग्राहकों से ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो किसी कोई एक बंदा आपके पास आया है, और जब 5,000 में जो है कई बंदे आपके पास आएंगे तो बेनिफिट क्या है कि जो ज्यादा लोगों में कम पैसा क्यों नहीं इकट्ठा हो लेकिन वो दुकानदारी ज्यादा सक्सेस होती है। तो वैसे ही है, बहुत ज्यादा सोच लेके मैं नहीं चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा हूँ कि इतने सब्सक्राइबर हो कि भाई मेरे को अचानक बम फोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जैसा आप लोगों का प्यार मिल रहा है और जैसा मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ ये चीज, और ये तो एक जरिया हो गया आप लोगों से मिलने का। तो घूमने फिरने का शौकीन हूँ और अपनी उस घूमने फिरने की यादों को यूट्यूब के थ्रू जो है हमेशा मैं जवान देख सकता हूँ, 5 साल बाद भी देखूंगा तो भाई एक म्यूजिक चलता हुआ डांस, मतलब म्यूजिक चलता हुआ उस रूप में मैं देखूंगा, किसी के मोबाइल में भी देख लूंगा, ये सबसे बड़ा कारण है। और बाकी तो सब देखिए अब आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय बजरंगबली।